हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स नेम वन माइंड। दोस्तों, आज के सेशन में कुछ हम पैटर्न बेस्ड स्क्वायर आपको सिखाने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों थंबनेल में आपने कुछ नंबर देखा होगा, दोस्तों ये दोस्तों एक सीरीज टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिस पर बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी दोस्तों पैटर्न बेस्ड के क्वेश्चन को हम आपको बताएं किस तरह से आपको ध्यान रखना है और कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको दे रखा है 11 का होल हाफ स्क्वायर। उसी पैटर्न पे दोस्तों हम देखते हैं कि 11 में टू डिजिट दे रखा है, फिर 18 से डिजिट से बढ़ती हुई दोस्तों नंबर, अब डिजिट बढ़ते जा रहे हैं और नंबर भी बढ़ता चला जा रहा है। जब भी दोस्तों इस फॉर्मेट में आपका नंबर दे दिया जाए, इसी फॉर्मेट पे दोस्तों बेस क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसा कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले देखते हैं कि किस टाइप का पैटर्न बनता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 11 का स्क्वायर था, हमें पता है कि 11 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों कितना होता है, 121 होता है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि 121 कैसे फाइंड आउट हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो 11 दे रखा है दोस्तों वो टू डिजिट से मिलकर बना हुआ है। तो हम दोस्तों नंबरिंग के हिसाब से टू डिजिट है टू की तरफ जाएंगे, 1 2। तो यहाँ पर दोस्तों टू डिजिट 1 2, और फिर 2 से दोस्तों नीचे चले जाते हैं, 2 से नीचे 1 आता है, ओके। अब इसी पैटर्न को दोस्तों हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसा दे रखा है 111 का होल हाफ स्क्वायर, इसको दोस्तों जब सॉल्व करेंगे जाकर इसका मतलब क्या होता है, 111 मल्टीप्लाई बाई 111। अब इसी पैटर्न पे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 डिजिट दे रखी दोस्तों, नंबरिंग में 3 तक हम आगे बढ़ेंगे, कैसे, 1 2 3। अब इसके नीचे जाएंगे, 3 के नीचे क्या होता है दोस्तों, 2 होता है, 2 से नीचे 1, बस दोस्तों यही हमारा आंसर है, ओके। अगला दे रखा दोस्तों 1111 का होल हाफ स्क्वायर, मतलब क्या होता है दोस्तों, 1111 मल्टीप्लाई बाई 1111। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि दोस्तों 4 डिजिट से मिलकर बना हुआ। अब 4 से नीचे उतर जाएंगे, तो 4 से नीचे 3, 3 से नीचे 2, 2 से नीचे 1, ओके। अगला दोस्तों जो नंबर दे रखा है वो 5 डिजिट से मिलकर बना हुआ दोस्तों, जिसमें 1 1 की रिपीटेशन हुई है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब 5 से दोस्तों डाउन मार जाएंगे, 4 3 2 1, ओके। ये दोस्तों 6 डिजिट पर दे रखा है, इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसे नीचे चले जाएंगे, 5 4 3 2 1, ओके। इसी तरह दोस्तों ये 7 डिजिट से मिलकर बना हुआ जा करके, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से दोस्तों डाउन करेंगे, 6 5 4 3 2 1, ओके। अब चलते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन दे रखा उसे किस टाइप से सॉल्व करते हैं। यहाँ दे रखा दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 1, उसी तरह से दोस्तों बना हुआ आगे नंबर बढ़ता चला गया। तो हमें पता है दोस्तों 1 2 1 दे रखा, इसका मतलब ये क्या होगा दोस्तों, 11 होगा, ओके। प्लस का साइन करेंगे, ये दोस्तों 3 डिजिट गया, फिर डाउन मार गया दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पर 1 की 3 बार रिपीट हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 4 बार गया, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर 1111 होगा, मतलब कि 1 1 डिजिट 4 बार आएगी, ओके। आगे देखते हैं दोस्तों, 5 बार गया, इसका मतलब जो 1 की डिजिट होगी दोस्तों वो 5 बार गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 बार 1 लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के लिए दोस्तों हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, इसमें दोस्तों जो भी नंबर बढ़ते जा रहे हैं क्रमगार, वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों ये 1 से स्टार्ट होता जाकर, तो यहाँ क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते, माइनस 1 कर देते। यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट बना हुआ जाकर के, इसकी दोस्तों एक ट्रिक होती है, जब भी स्पेस में क्वेश्चन आते हैं जाकर दोस्तों, तो हमें इसी के क्रम पर नंबर लिख लिया जाता है। यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ पर 2 है तो 2, यहाँ पर 3 डिजिट तो 3, यहाँ पर 4 तो 4, यहाँ पर दोस्तों 5 है तो 5। और इसमें दोस्तों मल्टीप्लाई भाई उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं जिस डिजिट की दोस्तों रिपीटेशन होती है, यहाँ पर 1 की रिपीटेशन है तो यहाँ पर दोस्तों 1 कर देंगे, ये माइनस 1 दे रखा है अलग से। अगर यहाँ पर 2 की रिपीटेशन होती है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, 3 से होता है 3 से कर देते, ओके। नंबर आप टाइम 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, ओके। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों कितना जाएगा, 1 2 3 4 5, माइनस का 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 4 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये ट्रिक पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों को और साथ ही स्टडी ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साइड पर बने हुए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत पहुँच सकें। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ पैटर्न दे रखा दोस्तों वो 3 डिजिट पर दे रखा दोस्तों, ठीक है। पहले 3, फिर 3, फिर दोस्तों 3 का 3 बार रिपीटेशन हुआ। इसी तरह दोस्तों आपके पास स्क्रीन पर शो रहा है किस तरह से नंबर का रिपीटेशन किया गया दोस्तों, ठीक है। तो इनका दोस्तों जो पैटर्न फॉलो होता है उन पर हम गौर करते हैं कि दोस्तों कैसे याद रखेंगे। हमें यहाँ पर पता है दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, ओके। तो इसे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 09, ओके। अब 33 का स्क्वायर दोस्तों जब हम करेंगे जाकर, तो इसका दोस्तों जो आता है 1089, ओके। अब दोस्तों देखते हैं इन दोनों में से क्या दोस्तों हमारे पास सीरीज बनती है। इसे यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं 0 यहाँ पर भी था और दोस्तों 9 यहाँ पर भी था, तो यहाँ पर भी दोस्तों 0 आया है और 9 आ गया है। दोस्तों जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, एक 1 बढ़ा है, दूसरा 9 बढ़ा है दोस्तों, ठीक है। अब इसी को दोस्तों फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 333 का स्क्वायर करना है दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जब 33 का स्क्वायर किया था तो यहाँ पर दोस्तों 3 जो डिजिट दे रखी वो 2 बार दे रखी, तो यहाँ पर दोस्तों 1 कितनी बार आया, 1 बार आया, और उसी बेस पर दोस्तों 9 भी 1 बार आया। अब यहाँ पर दोस्तों 333 में 3 बार यूज हुआ जाके दोस्तों, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम जो 1 लिखेंगे उससे 1 कम, 3 बार यूज हुआ तो 1 कम, तो उससे कितना हो जाएगा 1 1। ओके, और यहाँ पर 0 फिक्स है दोस्तों, 3 के स्क्वायर में भी 0 फिक्स, तो यहाँ पर भी 0 फिक्स हो गया। और जितनी बार 1 आता उतनी बार 8 आता, तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 बार 8 कर देंगे और लास्ट में 9 कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ओके, अब 3333 का स्क्वायर दे रखा है, ये 4 डिजिट से मिलकर बना हुआ 3333 दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 के करेंगे तो 4 बार दे रखा, 3 बार 1 का रिपीटेशन करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 0 फिक्स रहता है दोस्तों, जितनी बार 1 आएगा उतनी बार 8 आएगा, 3 बार 1 तो 3 बार 8 कर देंगे दोस्तों। ओके, और लास्ट में दोस्तों हमारा 9 आ जाएगा। ओके, इसी तरह दोस्तों 33333 दे रखा है, 5 डिजिट से मिलकर बना हुआ जाकर, तो उससे 1 कम 1 की रिपीटेशन होगी दोस्तों, तो यानी कि ये 4 बार आ जाएगा। ओके, 0 फिक्स रहता है, जितने 1 आएंगे उतने 8 आते हैं दोस्तों, ठीक है, 4 बार 8 आ जाएगा, लास्ट में 9 आ जाएगा। ओके, इसी तरह दोस्तों यहाँ पर 5-6 बार दे रखा है, तो इसे 1 कम बार करें तो 1 2 3 4 5, 0 फिक्स रहेगा, उतनी बार 8 की रिपीटेशन होगी दोस्तों, जितनी बार 1 आएगा जाकर दोस्तों, ठीक है, और लास्ट में 9 आ जाएगा। सेम पेज पर दोस्तों करेंगे जाकर के, ये दोस्तों 7 टाइम्स दे रखा है, तो यहाँ पर 6 टाइम्स आ जाएगा, 1 5 6, 0 फिक्स रहेगा, और दोस्तों यहाँ पर 8 आ जाएगा उतने ही बिट टाइम जितने टाइम दोस्तों 1 आया दोस्तों, ठीक है, लास्ट में 9 आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, जिस जब भी दोस्तों इस पैटर्न पर बेस क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों दिया हुआ पैटर्न आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, ये दोस्तों 9 की रिपीटेशन पर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों 9 का स्क्वायर दे रखा, तो 9 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 81 होता है। ओके, यहाँ पर हमने 81 लिख दिया दोस्तों। ओके, अगला दे रखा दोस्तों 99 का होल हाफ स्क्वायर, मतलब दोस्तों क्या होता है, 99 मल्टीप्लाई बाई 99 दोस्तों। ओके, तो जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना आता है, 9801। ओके, अब यहाँ पर हम दोस्तों क्या देखते हैं, 8 तो दोस्तों जस्ट एट रीच फिक्स रहा है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर भी 8 था, यहाँ पर भी 1 था। इसी तरह दोस्तों हमने 3 वाले में देखा था जाकर दोस्तों, ठीक है, 3 के रिपीटेशन में, तो वहाँ पर दोस्तों हमने देखा था जाकर 3 के रिपीटेशन में जाकर, तो वहाँ पर 0 और दोस्तों 9 फिक्स था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसी बेस में करेंगे तो 8 और 1 दोस्तों दोनों क्या है, यहाँ पर फिक्स है। ओके, हम 999 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 3 बार 9 आया दोस्तों, तो यहाँ पर 2 टाइम्स 9 आ जाएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों 8 फिक्स रहता है जाकर के, ठीक है, 29 आया तो 2 बार 0 बढ़ा देंगे और लास्ट में 1 आ जाएगा। सेम दोस्तों इधर देखेंगे, 4 टाइम्स 9 आया दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 टाइम्स 9 आएगा, एक बार दोस्तों 8 आता है जाकर दोस्तों, ठीक है, और जितने 9 उतने 0 बढ़ा देंगे दोस्तों, और लास्ट में दोस्तों 1 आ जाएगा। ओके, इसी तरह दोस्तों 99999 दे रखा है, इसी बेस पर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे जाकर, तो दोस्तों 1 कम बार 99 रिपीट होगा दोस्तों, ठीक है, 1 8 फिक्स रहता है, जितने 9 उतने 0 बढ़ा देंगे जा करके, और लास्ट में दोस्तों 1 हमारा फिक्स हो जाता है। ओके, इसी तरह दोस्तों यहाँ पर 9,99,999 का स्क्वायर दे रखा है, इसे जब दोस्तों सॉल्व करेंगे जाकर 6 डिजिट से बना है, 5 बार दोस्तों क्या होगा, 9 की रिपीटेशन आ जाएगी, इसके बाद दोस्तों 8 आ जाएगा, जितने 9 उतने 0 बढ़ा देंगे दोस्तों, 5 टाइम्स 9 है तो 5 टाइम्स 0 बढ़ा देंगे दोस्तों। ओके, और लास्ट में 1 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, यही दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। दोस्तों दिया हुआ पैटर्न आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 6 डिजिट से मिलकर बने हुए नंबर का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले दे रखा 6 का स्क्वायर, तो दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है दोस्तों। ओके, अब दोस्तों हमारा अगला काम क्या है, अब 66 का स्क्वायर करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है, 66 का दोस्तों मतलब क्या होता है, 66 मल्टीप्लाई बाई 66 दोस्तों। ओके, इसमें दोस्तों हम करेंगे जब जाकर, तो यहाँ पर दोस्तों आएगा 4356 दोस्तों। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या देखेंगे, 3 और 6 दो डिजिट यहाँ पर फिक्स हैं दोस्तों। ओके, इससे पहले वाले उसने हमने देखा दोस्तों, जब 3 की रिपीटेशन हुई थी जाकर दोस्तों, तो वहाँ पर दोस्तों क्या देखा था, वहाँ पर दोस्तों 0 और 9 फिक्स थे जाकर के दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा था जाकर के जब 9 वाले में दोस्तों, तो वहाँ पर दोस्तों 8 और दोस्तों 1 दोनों फिक्स थे। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर 3 और 6 जो दे रखा है ये फिक्स रहेंगे। अब दोस्तों इसी पैटर्न को दोस्तों फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, 666 का स्क्वायर करेंगे जाके दोस्तों, तो यहाँ पर 666 3 बार डिजिट से मिलकर बना हुआ है, तो इससे एक लेस करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 4 दोस्तों, ठीक है, 3 फिक्स रहेगा दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर 2 टाइम्स 4 आया तो 2 टाइम्स 5 आ जाएगा, और लास्ट में दोस्तों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, इसी तरह 6666 का स्क्वायर किया गया, यहाँ पर दोस्तों कितने 4 डिजिट है, तो दोस्तों 1 कम करेंगे तो 3 बार 4 रिपीट होगा, 3 फिक्स रहेगा दोस्तों, ठीक है, 3 बार 4 आया तो 3 बार 5 आएगा दोस्तों, और लास्ट में दोस्तों 6 आ जाएगा। ओके, इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट जो नंबर दे रखा उसको देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कितनी 5 डिजिट दे रखी है, तो यहाँ पर दोस्तों 4 टाइम्स 4 आएगा, 3 फिक्स रहेगा, जितनी टाइम्स 4 आएगा दोस्तों उतने टाइम्स 5 का रिपीटेशन होगा जाकर के, और लास्ट में दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेम बेस पे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर की तरफ, जो देख रखा है वो 666,666 का स्क्वायर, तो यहाँ पर दोस्तों 6 डिजिट से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 5 टाइम्स 4 का रिपीटेशन करेंगे दोस्तों, ठीक है, उसके बाद दोस्तों 3 आ जाएगा क्योंकि फिक्स है, इसके बाद दोस्तों 5 बार 4 आया तो 5 बार 5 आएगा, यहाँ पर
तो यहाँ पर दोस्तों पांच बार हम क्या कर देंगे, पांच लिख देंगे और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर हमारा सिक्स फिक्स रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। अगला पैटर्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसमें दोस्तों दे रखा 99,991 का होल हाफ स्क्वायर, यानी कि दोस्तों इसकी जो यूनिट जिट दे रखी है वो चेंज होता हुआ चला गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो पैटर्न बनता है उस पर हम लोग गौर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 4x9 फिर 1 आया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जो 4x9 दे रखा है इसको दोस्तों 3 बार लिखेंगे सबसे पहले। तो इसको दोस्तों 3x लिख लिया हमने 999, इससे एक कम करेंगे दोस्तों 8 आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद जो डिजिट लिखनी है उसका दोस्तों स्क्वायर का दोस्तों जो यूनिट डिजिट लिखा उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ये दोस्तों आ जाएगा 2, ओके। इसके बाद दोस्तों क्या करना, जितने 9 आए उतने दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर देंगे 0 बढ़ा देंगे, ओके। अब 1 का दोस्तों अगर 10 बनाना है दोस्तों कितना ऐड करेंगे 9, तो 9 का यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 81 दोस्तों, ओके। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी दोस्तों 4x9 आया तो 3x9 लिख देंगे दोस्तों, ओके। इसे एक कम एट कर देंगे। अब दोस्तों इसी 2 का इस पर मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे तो 2 जहाँ 4 आ जाएगा। और दोस्तों 3x9 से 3x यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब 2 में कितना ऐड करेंगे 10 हो जाए दोस्तों, 8 ऐड करेंगे तो 10 हो जाए, 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 64 हो जाएगा, ओके। सेम बेस पे दोस्तों इस पर करेंगे तो 4x9 3x9 लिख देंगे यहाँ पर, एक लेस के दोस्तों 8 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 2 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर 3x9 तो 3x0 बढ़ा देंगे जाकर दोस्तों, ठीक है। 3 में कितना ऐड करें दोस्तों 10 हो जाए, 7 ऐड करें, 7 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 49 होता है, ओके। सेम बेस पे दोस्तों यहाँ पर भी करेंगे जाकर दोस्तों हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा 9998, ओके। अब दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 4 8 आ जाएगा, ओके। 3x0 बढ़ा देंगे दोस्तों, और 4 में दोस्तों 6 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 हो जाएगा। आगे उसमें बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी क्या करेंगे 9998 सेम लिख लेंगे दोस्तों, ओके। अब दोस्तों 2×5=10 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों सिंगल डिजिट लिखना, एक कैरी आ जाएगा। इस पेज पे दोस्तों यहाँ पर 8 दे रखा है ये 9 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोस्तों 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3x0 बढ़ा देंगे और दोस्तों 3x0 बढ़ा देंगे। अब 5 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 4x9 दे रखा है, 3x9 करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या 8 लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे 6 में तो 2 6 हो जाए 12 दोस्तों, सिंगल डिजिट 1 कैरी जाएगा। तो यहाँ जो 8 होगा दोस्तों कितना 9 में बदल जाएगा, ओके। अब इसके बाद दोस्तों 3x0 आ जाएगा। 6 में कितना ऐड करेंगे 10 हो जाए दोस्तों, 4 के स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16 होता है। इसी पैटर्न पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिजिट दे रखेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग देखते हैं जाकर के कि 99,997 दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 4x दे रखा है, तो यहाँ पर दोस्तों 3x9 आ जाएगा, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8 आता है, जबकि इसका 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 7 जा दोस्तों 14, 1 का कैरी आएगा। तो यहाँ पर जो 8 होगा दोस्तों कितना 9 बन जाएगा, ओके। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, 3x0 बढ़ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 7 में कितना ऐड करें 10 हो जाएगा, 3 तो 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 09 आ जाएगा, ओके। अगला दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं जाकर के 3x9 आ जाएगा। अगली डिजिट दोस्तों 8 की होती है, जब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जब 16 हो जाएगा, 1 कैरी। और यहाँ पर जो 8 होगा दोस्तों वो 8 1 9 हो जाएगा, ओके। 3x यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ा देंगे दोस्तों, ठीक है। 8 में कितना ऐड करेंगे दोस्तों 10 हो जाए, 2 ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 4, हमें 2 डिजिट पर लिखनी दोस्तों, यहाँ पर 0 4 हो जाएगा, यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। यही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न के स्क्वायर थे जो हम आपको सिखाना चाह रहे थे दोस्तों, जो एक ट्रिक बेस पर डिपेंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। इस पर बेस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं ये भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अगर आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये ट्रिक पहुँच सके। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साइड पर बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे हमारी आने वाली नए वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और ऐसी ट्रिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।